प्रजापति का सर्वनाश करने के लिए तत्पर हूँ। और मैं उनकी रक्षा के लिए। यदि हमारा युद्ध निश्चित है तो आइए कीजिए मुझसे युद्ध। नारायण, ये तो मेरा भी प्रतिशोध है। जल रही है चिता, सांसों में है धुआं, फिर भी आसमान में है जगी। भोर होगी क्या कभी यहाँ, पूछती यही ये बेड़ियां। देख तो कौन है ये। कोई मेरे कोप से नहीं बच पाएगा, न यक्ष न गंधर्व, और दम भी दक्ष तुम भी नहीं। दिव्य शक्तियां रक्षा कर रही है मेरी। अब तुम हमें नहीं रोक सकोगे। अरे ये क्या, हमारे प्रहारों का तो इन पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। बहुत हुए तुम्हारे वार, अब हम करेंगे तुम्हारा संहार। यज्ञ वेदी की ऐसी अशुद्धि के बाद अब यह यज्ञ सफल कैसे हो सकता है? यज्ञ पुरुष, पाप के भागी तो आप भी बने थे, इसलिए दंड के भागीदार आप भी हैं यज्ञ पुरुष। संकट तो मुझ पर भी छाया है, कहां जाऊं, कैसे बचाव करूं अपना। मुझे तीव्रता से निकलना होगा। कोई भी रूप धारण कीजिए, मुझसे बच के नहीं भाग पाएंगे। मुझे और तीव्र वेग से भागना होगा। कहा था ना मुझसे बच के नहीं भाग सकते। भागो प्रजापति दक्ष, मैं तुम्हारा काल आ रहा हूं। इंद्रदेव, मेरे मार्ग से हट जाइए। क्षमा कीजिए वीरभद्र, किंतु प्रजापति है वो, और मैं आपको उनका वध करने कदापि नहीं दूंगा। अन्यथा इस संसार की नियमित व्यवस्था भंग हो जाएगी, इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, और मैं इनकी रक्षा करने के लिए बाध्य हूं। तो सर्वप्रथम आप ही का अंत करूंगा मैं। अपराध तो आपने भी किया है, भागीदार तो आप भी हैं। दक्ष ने देवी सती को आत्मदाह के लिए प्रेरित किया, और आप मौन होकर देखते रहे। भीरू है आप? मैं भीरू नहीं हूं प्रभु, अपने कर्तव्य से बाध्य हूं। ये विद्युत ऊर्जा मुझे कष्ट नहीं पहुंचा रही, अपितु और क्रोधित कर रही है मुझे। Ugh!
राजेंद्र, आप अपनी रक्षा कीजिए। अब अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करूंगा मैं वीरभद्र जी पर। देव राजेंद्र, आप इस क्रीड़ा का अंत करूंगा मैं। इंद्रदेव जी को मूर्छित कर दिया वीरभद्र जी ने। मुझे अपने बचाव के लिए नारायण से गुहार लगानी चाहिए। नारायण, नारायण, प्रभु नारायण। नारायण, आपने मेरी और मेरे इस यज्ञ में सबों की रक्षा करने का वचन दिया है। नारायण, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए मेरी। निसंदेह मुझे आपकी रक्षा करनी चाहिए प्रजापति दक्ष, परंतु आप ये कैसे भूल सकते हैं कि रुद्र के कोप से कोई किसी को नहीं बचा सकता। शिव का अपमान किया है आपने, जो किसी भी कार्य को, किसी भी कर्म को पूर्ण करने के लिए कल्याणकारी ऊर्जा का संचारण करते हैं। शिव का तिरस्कार करके यज्ञ पूर्ण करने की चेष्टा किया है आपने, तो आपका कल्याण कैसे हो सकता है? इस प्रकार तो ये दोनों शीघ्र मुझ तक पहुंच जाएंगे। आराध्य, आप मेरे प्रभु, अपने भक्त की रक्षा कीजिए। आपने मेरी रक्षा करने का वचन दिया है नारायण, आपको मेरी रक्षा करनी होगी। नारायण, रक्षा कीजिए मेरी। प्रजापति दक्ष, ज्ञान से परिपूर्ण है आप, परंतु आपके ज्ञान पर आपके अहंकार का अंधकार छाया है, इसलिए ये भी नहीं समझ पाए आप कि मैं और शिव एक ही है, हम में कोई भेद नहीं। इसलिए जो शिव की इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है, तो आप मेरे भक्त होकर शिव के प्रति इतना द्वेष कैसे रख सकते हैं? ये कल्पना भी कैसे कर सकते हैं आप कि बारंबार उनका अपमान करने के पश्चात भी आप सुरक्षित रहेंगे? अब आपके कारण केवल विनाश आपका ही नहीं होगा, उन निर्दोष देवताओं का भी होगा जो केवल अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। जो अगर अपने कर्तव्य से ना बंधे होते तो केवल शिव का ही साथ देते। वीरभद्र और महाकाली उन्हें भी अपनी क्रोधाग्नि से भस्म करेंगे। प्रभु, आपने रक्षा करने का वचन दिया था मुझे, आपको स्मरण है ना प्रभु? आपको वचन दिया था मैंने कि रक्षा करूंगा आपकी, इसलिए आपका साथ देकर उसे टालने का प्रयत्न करने के लिए विवश हूं मैं, जिसे कोई नहीं टाल सकता। आपके अहंकार ने मुझे इस विकट परिस्थिति में डाल दिया है दक्ष। वीरभद्र, नारायण आपसे आग्रह है, हट जाइए मेरे मार्ग से, क्योंकि अपने प्रभु के आदेश का पालन हेतु जो भी मेरी बाधा बनेगा उसे नष्ट कर दक्ष का अंत करूंगा मैं। वीरभद्र, मैं आपका शत्रु नहीं हूं, शुभाभिलाषी हूं महादेव का। मुझे ज्ञात है प्रजापति दक्ष से अपराध हुआ है, परंतु जिस प्रकार आप महादेव के भक्त हैं
प्रजापति दक्ष मेरे भक्त हैं और एक भगवान होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने भक्त को क्षमा कर उसकी रक्षा करूं। मैं उनकी रक्षा करने के लिए बाध्य हूं। प्रभु नारायण, आपसे युद्ध करूं मैं, आपको क्षति पहुंचाऊं, ऐसी कोई इच्छा नहीं है मेरी। इसलिए कृपा कीजिए, हट जाइए मेरे मार्ग से। दक्ष, आपका भक्त अवश्य है। महादेव का अपमान कर देवी सती को आत्मदार के लिए प्रेरित किया, अपराध किया है उन्होंने, जिसका दंड उसे अपने प्राण देकर भुगतना होगा। मैं दक्ष प्रजापति का सर्वनाश करने के लिए तत्पर हूँ। और मैं उनकी रक्षा के लिए। स्थिति विकट है, आप अपने कर्तव्य में बंधे हैं और मैं अपने कर्तव्य में। यदि हमारा युद्ध निश्चित है तो आइए कीजिए मुझसे युद्ध। संघर्ष से आपका कोई संबंध नहीं, इसलिए अवरोध मत बनिए। प्रजापति दक्ष, यदि मैं इसी प्रकार इन्हें रोकता रहा तो हम तीनों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर देगी, जो मैं नहीं होने दे सकता। किंतु आप अपना वचन कैसे भंग कर सकते हैं नारायण, कैसे भंग कर सकते हैं? जिस यज्ञ की रक्षा का मैंने वचन दिया था वो तो कब का अपवित्र हो चुका है। यदि आपकी सुरक्षा के लिए मैं युद्ध करता रहा तो सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए एक बड़े उद्देश्य के लिए मुझे आपका परित्याग करना होगा। नारायण, 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 यह आपने उचित नहीं किया। नारायण, आपने उचित नहीं किया। यह क्या हो रहा है? यह सब क्यों जा रहे हैं? ये दोनों रक्त पिपासु बड़े आ रहे हैं मेरी ओर। कदाचित वीरभद्र और महाकाली मेरा रक्त पान करके ही शांत होंगी। मुझे शीघ्र यहां से निकलना होगा। महादेव का अपराधी दंडित अवश्य होगा प्रजापति। भागने का कोई लाभ नहीं। आ!
तुम्हारी दक्ष भागकर कहां जाओगे? भागो जितना भाग सकते हो। समीप है दक्ष प्रजापति। नहीं, छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, छोड़ दो वीरभद्र, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे वीरभद्र, छोड़ दो। जहाँ दुष्कृत्य किया तुमने वही दंडित करूंगा तुम्हें। छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं 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 वीरभद्र, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो मुझे वीरभद्र, क्षमा कर दो, नहीं 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 नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे, क्षमा कर दो वीरभद्र, छोड़ दो मुझे, क्षमा कर दो वीरभद्र, मुझे क्षमा कर दो, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। वीरभद्र, तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। योर पल से मैं किसी भी अस्त्र शस्त्र से अकाट्य हूँ। किसी अस्त्र शस्त्र से तुम्हारे शीश को विलग नहीं किया जा सकता, किंतु तुम्हारी देह से तुम्हारा शीश अपने हाथों से विलग तो कर सकता हूँ मैं। जिस कार्य के लिए आपने मेरा आह्वान किया था वो संपन्न हुआ। मुझे मेरे स्थान पर लौटने की आज्ञा दीजिए। प्रभु, जो महादेव के आदेश की अवहेलना करता है वो स्वयं के विनाश को आमंत्रित करता है। उस यज्ञ और यज्ञ करता दोनों का ही अंत हुआ। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। अनर्थ को रोकने में असफल रहा मैं, क्षमा कर दीजिए मुझे प्रभु, क्षमा कर दीजिए। माता का आदेश था,
उन्होंने मुझे बाहर रहकर ही प्रतीक्षा करने को कहा था, परंतु जब तक मैं भीतर पहुंचा अनर्थ घट चुका था। दोषी हूं मैं आपका। माता को सुरक्षित न रख सका, आपका अपराधी हूं मैं, माता का अपराधी हूं मैं। क्षमा कर दीजिए मुझे प्रभु, क्षमा कर दीजिए। महादेव, हम भी आपके अपराधी हैं। कर्तव्य में बंधे होने कारण हम सब कुछ नहीं कर पाए। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। हाँ प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। बताइए ना पिताश्री, उसके पश्चात क्या हुआ? व्यक्ति का अभिमान जब अपनी सीमा लांघ लेता है तो उसका सर्वनाश निश्चित है। स्वामी, सती, मेरे मार्ग से हट जाओ। क्षमा करें प्रभु, मैं आपको माता की देह देखने नहीं दे सकता।